तो सुने कमेटी पास पर आ जाइए, मोबाइल आप थोड़ा देर बातें कीजिएगा। हमारी स्कॉलर सेना भाई सेवा टीशर्टिया हुक पहना दे भाई। जोगी स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज बल्लू बल्लू ऑर्गेनाइजर पर प्रियांशु बल्लू और प्रियांशु की जोड़ी यहां पर मौजूद है। सामने है बल्लेबाज भी सॉरी गेंदबाज भाई यहाँ पर लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है। काफी लंबा रनअप है, अंपायर के सिग्नल की जरूरत है तो निश्चित तौर पर एक काम मुकाबला होने की पूरी संभावना नजर आती हुई। तो उसी से बात कह लो जौनपुर की टीम यहाँ पर काफी दूर दराज से टीम साफ दिख रहा है भाई, जिसके सामने भी काफी अच्छी टीम है यहाँ पर। अच्छा मुकाबला ठंड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लगातार मौसम में परिवर्तन होता हुआ। दर्शक भाई दर्शक अभी आ रहे हैं, गाड़ी यहाँ पर थोड़ा किनारे खड़ी करेंगे, रास्ते में नहीं। पहली ही गेंद को उठाकर खिलाफ इसको कैसी रनों की लेंगे, अच्छे अच्छे रनों के लिए पहली गेंद पहला छक्का। तो इसकी काफी अच्छी गेंद थी, भरपूर उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज बबलू ने गेंद को ड्राइव कर दिया था, गेंद सीधा बॉन्डी लेन के बाद चली गई छह रनों के लिए। खाता खुला है टीम का। अभी भाई बता दें स्टेडियम का नंबर निकाल कर देते ओके। तो पहली गेंद पर जबरदस्त खूबसूरत स्ट्रोक गेंद सीधा बॉडी लाइन के बाहर छह रनों के लिए। तो दूसरी गेंद के साथ तैयार लेफ्ट हैंडर गेंदबाज, लेफ्ट हैंड राउंड विकेट होल्डर की गेंद को खूबसूरत तरीके से खेला है। जब तक गेंद फील्ड होती दोनों बल्लेबाज अपने छोर को बदल लिए, स्कोर को पहुंचा दिए सात पर। सात रन पहला ओवर विकेट पर चलता हुआ इसके द्वारा। अब पहली बार प्रियांशु ग्राउंड पर अभी तक बल्लेबाजों का दबदबा रहा है, जहां तक देखा जाए इस ग्राउंड का बैटिंग पिच पूरी तरीके से जाते हुए विकेट लेफ्ट हैंड ओवर विकेट प्रियांशु के लिए लेफ्ट हैंड ओवर बल्लेबाज के लिए हल्के बल्ले से सामान देते हुए सात पर खेल कर दोनों बल्लेबाज आसानी के लिए छोर को बदल लिए हैं। यादव को प्रियांशु ने भी अपना खाता खोला इस भाई अभी कुछ पता नहीं है कब है कब है। यहाँ पर खूबसूरत महली का नंबर दे दे रहा महली और पटारे से जो काफी अच्छा यहाँ पर क्रिकेट चलता हुआ। अंपायर को क्रॉस करते हुए साइड को चेंज किया है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग उसका नतीजा दोनों बल्लेबाज एक अतिरिक्त रन पूरा कर लिए हैं। इस एक रनों की सहायता से स्कोर को पहुंचाया नौ रनों पर। पहला ओवर मेडल पर चलता हुआ इसके द्वारा यहाँ पर कीपर भी नजदीक आ गए हैं। निश्चित तौर पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रियांशु विकेट बॉलिंग करते हुए रईस अगली गेंद के साथ गेंद को उठाकर खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है, गेंद को फील्ड किया जाएगा। बाद एक रनों की सहायता से कप्तान खुद वहां पर मौजूद थे, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को फील्ड कर लिया गया। इस एक रनों की सहायता से दोहरे अंकों में स्कोर पहुंचता गया दस रनों पर। अब रईस काफी लंबे रनों के साथ में बल्लू के लिए सातवीं गेंद नीचे हुए गेंद को ढकेल कर दोनों बल्लेबाज एक रन पूरा कर लिए। तो पहले ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोरिंग 11 रन। एक ओवर की समाप्ति पर 11 रन बिना किसी नुकसान के धीमी सुनवाई जरूर कही जाएगी। इस ग्राउंड का सवाल है तो निश्चित तौर पर जो पहला ओवर खेला जाता है काफी खूबसूरत सटीक गेंदबाजी यहाँ पर रही। इसके द्वारा अनुभवी गेंदबाज है, अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाजों को आजादी नहीं है। क्या करूं भाई नहीं खेल रही कप्तान ने मोर्चे को संभाला है, कप्तान खुद आए बड़ी बार पर तैयार है, सद्दाम आए हैं अब गेंदबाजी के लिए।
जो कि राइट हैंडर गेंदबाज है, राइट हैंड ओवर का विकेट बॉलिंग करने के लिए तैयार है। सामने है बल्लेबाज बबलू, पारी की शुरुआत करने आए सलामी बल्लेबाज बबलू, एक छक्का लगाकर यहां पर स्ट्राइक रेट पर मौजूद है। थौकलपुर तो पहली गेंद यहां पर अभी चलते भाई सिवा आगे सीधा विकेट कीपर के दस्तान और खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर। अगली गेंद छोटे रन के साथ में होल्ड की गेंद, यार्ड लेंथ की गेंद को वहां पर धकेला था जब तक फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया बिना किसी रन के, तो स्कोर रन है। दूसरा ओवर चलता हुआ है, गेंदों का खेल होता हुआ अगली गेंद बबलू के लिए साथ ही गेंद नीचे रखी गेंद सीधा विकेट कीपर के पकड़ से साइड बाय का फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया। अच्छी गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पर सबदाम के द्वारा। अगली गेंद के साथ तैयार है छोटे रन के साथ में पार के बगल से निकलते हुए साथ ही गेंद स्टंपिंग की जोरदार अपील, जोरदार अपील यहाँ पर एम्पायर के ऊपर, इस अपील का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कोई फिलहाल विकेट भले ही नहीं मिला लेकिन गेंदबाजी बहुत ही खूबसूरत होती हुई सबदाम के द्वारा जबरदस्त गेंदबाजी। नहीं भाई कल मैच है, कल उनका मैच है। अच्छी गेंदबाजी लगातार यहाँ पर बल्लेबाज चकमा खा रहे हैं जो कि सच में उनका सुना देता है। आए हुए बल्लेबाज काफी खूबसूरत यहाँ पर गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हैं। दानापुर के गेंदबाज कप्तान खुद कप्तान ने जिम्मेदारी को संभाला है, बस कप्तान कप्तान है टीम के, काफी खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस ओवर में लगातार बल्लेबाज परेशान लाई चना। हाँ दादूपुर जौनपुर तो दो रन बढ़ा यहाँ पर, जो कि दादूपुर का एक छोटा खिलाड़ी खड़ा हुआ उसका किट यहाँ पर इसकी वजह से दो रन बढ़ाया गया। पागल पागल मीरनपुर हार गए। अब यहाँ पर आगे का नहीं यार जीती है भाई हमारे नफीस भाई, धन्यवाद सुधीर। अब मैं इस समय दूसरा को लेकर आए हैं, स्ट्राइक पर है इस समय, इस समय भी नंबर पर ये फुल टॉस गेंद की जा सकती है। यहाँ पर ये ब्लॉक रन में गेंद थी, गेंद को लास्ट में करना चाहते थे पर गेंद में बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के दस्तान में बल्लेबाज नाम यहाँ पर पहुंचा रहे हासिफ भाई रोहित। अंपायर आपकी पहली जिम्मेदारी यहाँ पर नाम पहुंचाने की, इस ये गेंद अच्छी गेंद इस समय काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है दादूपुर की टीम, क्योंकि बिल्कुल बांध कर रखा है जौनपुर पिलवा की टीम को, क्योंकि यहाँ पर दर्शक इस समय बिल्कुल मैच देखने आए हैं दादूपुर और जौनपुर का, मगर
दर्शकों के मुताबिक मैच चलता नहीं चलता कुछ खास रन बनने नहीं दिया। यहाँ पर जौनपुर का रईस और सुल्तान जो की लगभग 4 से 4.5 मैचों का अनुभव इन दोनों गेंदबाजों का इधर ऑलराउंडर है मगर उसे बांध कर रखा है बिल्कुल बल्लेबाजों को जौनपुर के अकलपुर में हो रहा है भाई जारी है। इस मैच का इस टूर्नामेंट का पहला मेडल ओवर फेंका है सद्दाम ने क्या लाजवाब बॉलिंग की थी पिछले ओवर में। अब देखना है चौथे नंबर के बल्लेबाज कौन आ रहे हैं क्या अपनी टीम की कोई अच्छी आठ ओवर का खेल है क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो चुका है नए बल्लेबाज है छह आठ पता नहीं कहाँ खुला हुआ था फील्डिंग कर ली है भाई नहीं अबे नवा बल्लेबाज पहली इनिंग है निकलेस ओके मिथिलेश हमें स्ट्राइक पर रईस क्या जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं रईस चले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अंपायर को पारी है गेंद काफी अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली। इस समय मौसम का जो मिजाज है उसके मुताबिक बॉलिंग करते हुए रईस गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद और बाहर की निकली बाहर की तरफ निकली और स्विंग गेंद थी जब तक गेंद फील्ड होती तब तक मौका नहीं था बल्लेबाज के पास होने के लिए लेफ्ट आर्म पर दिया अंपायर को बॉल गेंद दिए गेंद और चार लंबा स्ट्रोक गेंद मोड़ी नहीं के बाद जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ पर मिथिलेश के बल्ले से स्कोर में 6 रन का इजाफा 6 रन के सहारे जौनपुर का स्कोर हो चुका है 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह मैच हम तो कल फिर इस सरजमीन पे खेला जा रहा है सहारा कप क्रिकेट टूर्नामेंट इस वही तांतेपुर कहा सबसे चहेती टीम है इस एरिया की मतलब हमारी तांतेपुर क्या इस मैच को जीत सकती है या फिर जौनपुर को आने वाला समय बनेगा रही चलेंगे लास्ट करना चाहते थे मगर गेंद में बल्ले का संपर्क नहीं हुआ गेंद लुढ़क कर रह रही थाई पैड से कटाने के बाद जब तक गेंद फील्ड होगी तब तक मौका नहीं था दोनों बल्लेबाजों के पास रन लगे स्कोर में कोई इजाफा नहीं स्कोर अभी बिल्कुल 20 रन के गोल पर बगैर 2 विकेट के नुकसान पर रही बैठाई थी राई यार यहां पर लाइव दिखा क्या करते हैं बबलू जो कि 9 गेंदों पर 8 रन बनाने के लिए रन चाहिए गए वो जो लंबा स्ट्रोक किया जाता था गेंद को टाइम मिल सके जब तक गेंद मिड विकेट पर फील्ड होती तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन के लिए लेने के लिए इस 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर 21 रन गोपुर के नुकसान पर बांध के रखा है जौनपुर के बल्लेबाजों को सद्दाम और रईस जबरदस्त बॉलिंग की अभी तक सद्दाम ने पिछले ओवर में विकेट में रन और फेंका था सद्दाम ने अब स्ट्राइक पर जॉब हो चले इस समय निकलेस दर्शक धीरे धीरे मैदान पर आते हुए जो भी दर्शक इस समय नौसाद कहाँ गए यार नौसाद बैठाई हम को जाइए राज्य में जो गाड़ी खड़ी कर रहे हैं भाई प्लीज आप लोग साइड में लगा दीजिए स्टैंड में लगा दीजिए स्टैंड में लगा कर आप क्रिकेट का मजा ले आप गाड़ी और आगे स्टैंड में लेके लगा दीजिए सद्दाम चले जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ पर मिथिलेश के बल्ले से पिछले ओवर सत्तान का मेडल लागा मौसम में अच्छी खबर मिल जाने के लिए पट्टी भी गेंद को लॉस्ट कर दिया गेंद नहीं मिलेंगे बाहर 6 रन के लिए इस छक्के के साथ टोटल स्कोर हो चुका है इस समय जौनपुर पूर्वा का 31 रन
आई चली तीन मुकाबला खेला जाएगा, उसके बाद जो खेला जाएगा मुकाबला हटवा बवारपुर में होली के बीच में खेला जाएगा और चौथा अंतिम मैच प्रतापगढ़ स्टेडियम गवाही के बीच में हो रहा था, लेकिन कमेटी ने सबको हिसाब किताब मिलाया लेकिन वो मैच चौथा हो नहीं पाएगा, इसलिए चौथा मैच कैंसिल कर दिया गया है। सब काम चले उनकी इस तरह से वहां पर कैस्टा से गया, अन्यथा यहां पर एक छक्का और लग सकता था जौनपुर को। इस तरह से स्कोर में एक रन का इजाफा, स्कोर बढ़ते हुए 32 रन दो विकेट का नुकसान है। सत्ता ये गेंद ऊंचा लंबा स्ट्रोक, जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर रोहित के बल्ले से, टोटल स्कोर हो चुका है इसमें 38 रन। चौथा ओवर जारी है इस समय सद्दाम के द्वारा, ओवर पिच गेंद थी, गेंद को लॉफ्ट कर दिया ठीक हमारी कमेंट्री बॉक्स की पाइप रन, हवाई रास्ते के सारे गेंद सीमा रेखा के बाहर फेंक दी 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ टोटल स्कोर हो चुका है इस समय वर्क नहीं है भाई लगता है इसलिए रुक गए। नुकसान पर चौथा ओवर सद्दाम के जानिब फेंका जा रहा है, सद्दाम चले राइट आर्म ओवर, ये गेंद अच्छा अच्छी गेंद थी, गेंद को निकाल दिया इसको पॉइंट बाउंड्री की तरफ, उसके नीचे गाइस जब तक गेंद फील्ड बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका था लेने के लिए, स्कोर एक रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता है 4 ओवर की समाप्ति पर 39 रन दो विकेट के नुकसान पर। चार ओवर की समाप्ति पर 39 रन दो विकेट के नुकसान पर आगे का विवरण सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर सुधीर। बहुत नसीब किया भाई तो आना इतनी लगे बाउंड्री के नाम आ रहे ठीक करो। अरे भाई अब कहां से हम ठीक करिएगा, नौसाद माए सब आ गए हैं और बॉलिंग मार पर ये जुबे आए हैं सब आए यहां पर अच्छी बल्लेबाजी के बाद, जैसे कि स्कोर की शुरुआत की थी यहाँ पर जौनपुर की टीम, उसके बाद से गेम को नीचे तौर पर अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है मिथिलेश और रोहित के द्वारा। ये बे ए ए रोहित स्ट्राइक हेड पर मौजूद है, सामने है शाहबाज और राइट हैंडर गेंदबाज है शाहबाज, और पाए के सिग्नल की जरूरत है, पाए का सिग्नल हुआ एक दो तीन तीन ढूल के दिया चार्ज ने या पांचवा हम देखा रोहित के लिए देखना कैसी गेंदबाजी करते हैं शाहबाज। अगली गेंद गेंद को फेर दिया, फुलेंड की गेंद थी, गेंद को हल्के बल्ले से ड्रॉप किया वहां पर, दोनों बल्लेबाज अपने खेल को बदलेंगे, स्कोर को पहुंच जाएंगे 40 पर। तो जैसे ग्राउंड की बात की जाए तो इस हिसाब से काफी स्लो स्कोर अभी तक कहा जाएगा। क्रिकेट गेंद हल्के बल्ले के लीडी गेंद खेल की तरफ चलिए, खूबसूरत फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर दोनों बल्लेबाज एक रनों के साथ में संतुष्ट नजर आते हुए। मारा उखड़ गया यार गेंदबाज साहब, अच्छी गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद गेंद को खेल दिया है नीचे तौर पर, गेंद फील्ड हो जाएगी, फील्डर जब तक गेंद के बाहर से गेंद के नीचे आता है दोनों बल्लेबाज अपने शोर को बना लिए। तो अभी तक के तारुपुर की तरफ से अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, सभी गेंदबाजों ने जबरदस्त यहां पर गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। अगली गेंद के साथ शाहबाज तैयार, गेंद को हल्के बल्ले से खेला भी फील्डिंग, वहां पर पहली बार भी फील्डिंग देखने को मिली है यहां पर तारुपुर की तरफ से, गेंद सीधा तनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। मिस फील्डिंग का नतीजा 4 रन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, लेकिन गेंदबाजी काफी खूबसूरत गेंदबाजी चलती हुई यहां पर शाहबाज के द्वारा। मिथिलेश के लिए अगली गेंद के साथ तैयार है शाहबाज, काफी छोटा रन अप है, अच्छी गेंदबाजी अभी तक थोड़ी सी लगाने सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत रुक रुक चलता है, रुक गया है स्कोर क्या बात है 46 रनों पर, स्कोर अभी भी रुका हुआ अगली गेंद के साथ में तैयार है, लेकिन बाहर गेंद थी
माता की सारी प्रतीक्षा वही बॉल के साथ आनंद पार का तीसरे दो अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर 48 पर पहुंच जाए। बल्ला लग गया तो इसके दो रनों की सहायता से स्कोर 48 पर आगे गेंद के साथ में तैयार है सौरभ। हाँ भाई रंजन काफी जाना पहचाना नाम है रंजन भाई, चोट लग गई रही इस वजह से जो है दिक्कत हो रही, नवा आदमी बैठाए रहे वो क्लियर नहीं कह पाओ रहे भाई। बल्लेबाज ने मोनू अब क्लियर हुआ भाई रंजन का स्वागत यहाँ पर किया है छक्के के साथ। सही हुआ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं भाई ये बता दो। यहाँ पर निश्चित तौर पर धीमी शुरुआत जरूर कही जाएगी लेकिन गेंदबाजी हालांकि गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है, अच्छी गेंदबाजी का यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई दानूपुर की टीम। रंजन के बहुत छोटे होने के साथ अगली गेंद साथ में गेंद अभी सबसे बहुत ज्यादा वहां अंपायर की दौड़ पाए हवा में तो वही बार कहीं से रहा था वो अंपायर का इस एक अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर जहां पहुंचा 54 रनों पर रंजन के लिए। लेफ्ट के बाद लेफ्ट हैंडर के साथ गेंद गेंद को खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद है, एक कप्पे के साथ गेंद को फील्ड कर लिया गया, पॉइंट की तरफ गेंद गई थी। निश्चित तौर पर एक रन पूरा कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज, अब पहली बार स्ट्राइक गेंद पर मौजूद है बल्लेबाज मोनू। मोनू तीसरा विकेट गिरने के बाद आए हैं सामने, इसलिए गेंदबाज है रंजन काफी अनुभवी गेंदबाज है, काफी दिन से रंजन यहां पर मैच खेलते नजर आते हैं, निश्चित तौर पर काफी सीनियर प्लेयर है। अगली गेंद नीचे रहती हुई गेंद सीधा जाकर विकेट कीपर के पैर में टकराई लेकिन रन की कोई संभावना नहीं, खूबसूरत गेंद, अच्छी गेंदबाजी करते हुए रंजन अगली गेंद के साथ तैयार है। लेफ्ट हैंड ओवर करके साथ ही गेंद उठाकर खेला हुआ कमेटी बॉक्स के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निजी तौर पर गेंद को भेज दिया हवाई यात्रा में नीचे हटी हुई गेंद भाई टोंकलपुर में हो रहा है टोंकलपुर में गेंद को लॉक किया था कमेटी बॉक्स के ऊपर से खूबसूरत छक्का निकलता हुआ टोटल स्कोर 61 रन। आज दर्शक बहुत है भाई जरूर चले लेकिन बल्लेबाज पूरा प्रयास करते हुए अच्छा क्रिकेट चलता हुआ यहाँ पर सारा का क्रिकेट टूर्नामेंट में जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं दोनों ही बल्लेबाज अब निश्चित तौर पर रन गति को बढ़ाने का प्रयास। आप अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है जी भाई, जादूपुर में फील्डिंग कर रही है काफी मौजूद है विकेट कीपर रंजन की अगली गेंद को भाया है सीधा भी नहीं दिखता थोड़ी सी साफी गेंद निजी रहती हुई गेंद को समझ नहीं सकते क्लीन बॉल की राह पर मोनू मात्र 6 रनों का योगदान दिया है अपनी टीम के लिए अपने लिए पवेलियन की ओर वापस जाते हुए। नहीं भाई आरिफ नहीं है, यादव क्लब अभी नहीं खेली है भाई। अब मोनू के स्थान ले देखना है कौन से बल्लेबाज आते हैं। बल्लेबाज अपना नाम बताएंगे शुभम सुदीप, अभी उसका क्लियर नहीं है भाई शुभम तो यहाँ पर आगे बल्लेबाजी के लिए आए हैं बल्लेबाज शुभम राइट हैंडर बल्लेबाज सामने अगली गेंद के साथ में तैयार साइड पिच गेंद दिशा से भटकी हुई गेंद निश्चित तौर पर अंपायर की दोनों बाएं हवा में जाएंगे वाइड बॉल कैसा आता हुआ
तो इस दो अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर को पहुंच गया है। रंजन का उमर चलता हुआ काफी लंबा होगा नजर आता हुआ ये अगली गेंद भारत खेला हुआ एकदम फिर उसके नीचे गेंद में देख रहे हैं कैच को कर पाते हैं नहीं गेंदबाज इलाके की तरफ जाती हुई जब तक देखो फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ दो रन पूरा कर लिए हैं। यहां से ओवर की हुई है समाप्ति छह ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन। छह ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन। अब आगे का आंखों देखा आज सुनाने के लिए हमारे नफीस भाई प्लीज कम नफीस भाई। धन्यवाद सुधीर। स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पर 65 रन है और क्या गजब की बॉलिंग की है इस वक्त आप लोगों के गेंदबाजों ने क्योंकि 6 ओवर की समाप्ति पर 65 रन शुभम होंगे स्ट्राइक पर 7 ओवर पर इस समय तालिक के हाथों में क्या इस ओवर में अपनी टीम को कोई सफलता दिला पाते हैं या फिर शुभम का अच्छे स्ट्रोक लंबे स्ट्रोक खेल सकते हैं तालिक चले लेफ्ट काम ओवर जो ये कटती गेंद थी और इस गेंद में घुमा दिया गेंद जाने बॉडी लाइन की तरफ उसके नीचे फील्डर है जब तक गेंद फील्ड होती तब तक मौका था बल्लेबाजों के पास छोड़ बदलने का स्कोर में एक रन का लिया था जॉन बुर के स्कोर 66 रन 4 विकेट के नुकसान पर पटकी हुई गेंद थी उस गेंद को अगर सही से टाइम कर दो तो गेंद ये भाई अपना मोबाइल क्लियर करिए यहाँ से एकदम क्लियर दिख रहा है भाई अब तक ये पुश कीपर से जब तक वहां पर गेंद से टाइम फील्ड करते तब तक मौका था यहाँ पर बल्लेबाजों के पास छह बदलने का स्कोर में 1 रन का इजाफा अच्छी गेंदबाजी से तालिक के द्वारा पिछली गेंद तो शॉर्ट गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी उस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए थे वहां पर शुभम जब इस गेंद पर क्या करते हैं तालिब इस लॉन्ग ओवर जारी है क्या अपनी टीम को 180 स्कोर तक पहुंचा सकते हैं जौनपुर को बल्लेबाजों के बीच इस 1 रन के सारे स्कोर बढ़ते हैं जौनपुर का 68 रन। हम लोग खिलाड़ियों दर्शकों को बता दें इस पिच पर 180 रन चेस हो चुका है 10 ओवर में इस समय टाई है भाई आपका जो पैर था वो लाइन पे ही था यहां से दिख रहा है नहीं नहीं आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मतलब टच था आपका पैर यहां से दिख रहा है आपका आपकी एडी आधी आधी लाइन पे दिख रही है यहीं से भाई स्कोर शक्ति के साथ बढ़ता हुआ 74 रन 7 ओवर जारी है इस समय तालिब के द्वारा इस समय स्ट्राइक पर है इस समय मिथले इसके बल्ले से निकला छक्का इसमें तालिब किए गए तटती गेंद थी उस गेंद का लाभ नहीं उठा सके मिथले से अरे इस गेंद पर टाइम करते मौका था इस गेंद की 4 या 6 बटोर सकते थे मगर यहां पर चूके बल्लेबाज इस तरह से स्कोर में 1 रन को ले जा पा भाई के बल्ले से इस समय तालिया निकलेस के खाते में 1 रन और स्कोर बढ़ते 75 रन स्ट्राइक पर जब बचे हैं कट की हुई गेंद थी यहां पर उस गेंद को निकाल दिया लॉन्ग रन की तरफ जब तक फील्ड तब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों के बीच रन लेने के लिए इसे 1 रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 76 लॉस ऑफ 4 विकेट 7th ओवर प्रोग्रेस बाय तालिब तालिब चले लेफ्ट आर्म ओवर डिलीवरी अंपायर को पार के मिथलेस की गेंद के पट्टी गेंद थी और गेंद का फायदा नहीं उठा पाए दो
गेंदे ऐसी थी इसे होने जिसपे चौके छक्के लग सकते थे, मगर बल्लेबाज पूरी तरह से चुके उस गेंद को खेलने में और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सात ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर इस समय जौनपुर का 76 रन 4 विकेट के नुकसान पर, यानी कि अंतिम 6 गेंदे आना शेष इन बची हुई 6 गेंदों पर, देखना है कितने रन चुका पाते यहां से। अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं शहबाज, शहबाज के सामने है इस समय शुभम। शहबाज की गेंद काफी बढ़िया गेंद थी, यहां पर काफी स्पीड थी इस गेंद में, लगभग 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं शहबाज। पूरी तरह से चुके वहां बल्लेबाज है शुभम, अगेन विकेट की तरफ छकाती हुई थर्ड में चली गई, जहां पर कल 57 ने गेंद को फील्ड किया, मगर तब तक मौका था बल्लेबाजों के पास 6 बदलने का। इस समय शहबाज चले राइट आर्म ओवर भी ये गेंद उसको निकाल दीजिए फील्डर है, और ये 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर करे फील्डर रंजन के द्वारा, स्कोर 1 रन को जा पा, इस 1 रन के सहारे इस समय टोटल स्कोर हो चुका है जौनपुर का 78 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम कुछ गेंद बची है लास्ट ओवर की, देख रहे हैं कितने रन जुटा पाती यहां से जौनपुर की टीम। ये गेंद फुल टॉस गेंद लग गई यहां पर, और इस गेंद को टाइम नहीं कर सके, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के दस्तान हो जा पहुंची, स्कोर में कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 78 रन के कुल योग पर। सवाल ये गेंद अच्छा स्ट्रोक यहां पर है, और ये संभवता आउट, इस तरह से 5वां झटका लगा मिथिलेश के रूप में, स्ट्रेट ड्राइव किया था वहां पर शोम ने, और शहबाज ने गेंद को फालतू में फील्ड किया, अगेन जाकर सीधा स्टंप में लगाया, और इस तरह से 5वां झटका लगा मिथिलेश के रूप में। दर्शकों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती हुई स्टेडियम में, ये भाई वो नौ रन कटा। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाज आया लौट गया तो समझ नहीं आया, नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज इसमें स्ट्राइक करे सुगम। सवाल चले सुगम के लिए दिए गए, अच्छी गेंद पूरी तरह से छकाया है यहाँ पर बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से, सहराज पूरी तरह से आजादी दे दी है स्ट्रोक खेलने के लिए। लास्ट गेंद है, यानी कि स्कोर में 1 रन का इजाफा हुआ है, 79 रन हो चुका है, यानी कि अंतिम गेंद पर देखना है कितने रन बता पाती यहाँ से जौनपुर की टीम। गेंद अच्छी गेंद की जा सकती है, फिर गेंद विकेट कीपर से छिपती है, जब तक गेंद फील्ड होती तब तक मौका था यहाँ पर बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने के लिए। इस 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ इसमें हो चुका है जौनपुर बल्लेबाज का 80 रन 5 विकेट के नुकसान पर ओवर की समाप्ति। मौसम काफी खराब लग रहा है, हल्की हल्की बूंदे जारी है, खोला Oh
नहीं मीरनपुर जीती है भाई, मीरनपुर जीती है। तौकलपुर में हो रहा है भाई, तौकलपुर। बता दी आज तमाम दर्शकों से स्वागत अभिनंदन करते हैं सहारा कप में। तो ये जो मैच खेला जा रहा है ये दूसरा मुकाबला है गाजीपुर वर्सेस जौनपुर तलवार के बीच में। तो हम आए हुए तमाम दर्शकों को स्वागत अभिनंदन करते हैं। कभी ललई पूर्व प्रधान हमारे गाँव तौकलपुर के अंदर कमेटी को 500 रुपए का सहयोग दिया है, हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। तो हम आपको बता दें अभी तक राशि हमारे सहारा कप में जो जो दिए हैं आपको हम नाम बता दें। तो निश्चित तौर पर जो मुकाबला होगा ये बहुत ही अच्छा होने की संभावना है, देखने वाली बात है कि कैसे गेंदबाजी करती है। मीरनपुर जीत के गई है भाई, हारी नहीं है, जीती है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसे बूंदाबांदी होने की संभावना है। तो इसके क्रिकेटर लोग तैयार होंगे अपना कदर लेकर पिच को कवर करने के लिए, कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना जरूर है। लेकिन अगर ऐसा उम्मीदें नहीं है हल्का फुल्का गेंद निकालना होगी तो आपको बता दें सबसे बड़ा सहयोग जो आया है इम्तियाज समीर लाल प्रमुख का 10,000 रुपए, ग्रेसन भाई की तरफ से 500 रुपए, चाकिर भाई की तरफ से 2,000 रुपए, असद भाई की तरफ से 3,000 रुपए, एंगल उस्मान एडोगेडो 500 रुपए, सहराब 1,000 रुपए, लल्ले भाई 500 रुपए, इंदर मोदी जी 1,000 रुपए, 80 रन बना है भाई 500 रुपए और ललई प्रधानपुर 500 रुपया, ये कमेटी को सहयोग दिए हैं इन लोगों ने, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, वंदन करते हैं। तो इसके बाद मेढौली और हटवा पवार को अपने 11 खिलाड़ी को पोजीशन देते हैं। दादीपुर के कप्तान अपने प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान में भेजे रियाज भाई खान को, रियाज भाई भी 1,500 रुपए का सहयोग दिए हैं। मैं तो यही हूँ यार पुन्नू भाई, इसके बाद हटवा पवारपुर और मेढौली का मैच है भाई, 80 रन बना है भाई 8 ओवर में जौनपुर का। दादूपुर के दोनों सवारी वाले आज अपने पवेलियन रूप से पवेलियन से निकल चुके हैं, जो कि हल्का बूंदाबांदी यहां पर मैदान में शुरू हो गई है। एक दुख की खबर आपको हम बता दें सभी भाई से, एक लड़का नाम है इसका अफसर जय हरून गदाईपुर का है, ये नौ आईना लालजी पटेल ढाबे के पीछे इसका घर है, ये इसकी उम्र लगभग 12-13 साल का होगा, ये गुम हो गया है। अगर कोई किसी को अगर कोई दरबारा सा लड़का अगर आपको मिले कहीं भी मिले तो ये स्वयं को नंबर है जो नंबर ने दिया है आपको नंबर बता दें, इस नंबर पे आप पता बता दें 93-58-52-842 इस नंबर पर कॉल करके जानकारी दे दें। कोई अगर लड़का 12-13 साल पे आपको घूमते नजर आ जाए तो बिल्कुल आप जानकारी दे दें, गदाई पे नया आईना के रहने वाला है ये बच्चा, ये कई गुम हुआ है, हालांकि उसके गार्जियन आए थे आज सुबह मैदान पर, तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दें। इसके पहले इब्राहिमपुर जीती है भाई, भाई इसके पहले इब्राहिमपुर जीती है, इब्राहिमपुर खेल अड्डा। हाँ अर्जुन ऊपर रहा, ऊपर रहा।
यहाँ पर जौनपुर की टीम जौनपुर के कप्तान ने अपनी फील्ड को पूरी तरीके से सजाया हुआ है। दोनों सवारी बल्लेबाज जादूपुर के दोनों सवारी बल्लेबाज बीच क्रीज पर नजर आते हुए स्ट्राइक गेंद पर नजर आ रहे हैं। स्ट्राइक गेंद पे बल्लेबाज का नाम आपको नहीं पता है, देखना है कौन से बल्लेबाज स्ट्राइक लेते हैं। यहाँ पर आराम स्ट्राइक पर आराम और नई स्ट्राइक पर सावाज सामने गेंदबाज साहब बबलू आए हैं जो कि पारी की शुरुआत करने आए वाले बात थे। पहला ओवर अपना पहला ओवर टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर आए हैं बबलू हो गए। ये याद नहीं है भाई, मीरनपुर जीत के गई थी, अब कितने रन से जीती है याद नहीं आ रहा है। खबर का अभी क्लियर नहीं है भाई। यहाँ पर हिसाब लगभग बराबर होता हुआ दोनों टीमों का, दो रन बगैर किसी खेल के दौरान सवाल पर चुका है। अरे तेरा बात में करा रोक नहीं ठीक है। यहाँ पर किट में कुछ प्रॉब्लम, ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम नजर आता हुआ बबलू की बबलू की अगली गेंद गेंद को उठा के खेल में स्ट्राइक निश्चित तौर पर फील्डर मौजूद है, पहली गेंद पर खड़ा हो सकता है तो यहाँ पर विकेट गिरता हुआ निश्चित तौर पर। जैसे दर्शकों को लग रहा था कि काफी छोटा लक्ष्य दिया है यहाँ पर जौनपुर की टीम, जौनपुर की बल्लेबाजी काफी परेशान नजर आ रहे थे बल्लेबाजी के दौरान, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर दादूपुर के भी जीरो पर पहला विकेट गिरता हुआ जीरो रन के ऊपर पहला विकेट गिरता हुआ। यहाँ पर हमारे स्कोर में बता दें दो रन बढ़ाया गया, दो रन टीम का स्कोर दो रन हो चुका है। पहला विकेट दो रन के ऊपर गिरता हुआ हम लोग अपनी पहली विकेट पर सफलता अर्जित करते हुए अगली गेंद के साथ में तैयार है कप्तान शताब्दी साथ ही खेल उठा सकते हैं। बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई अंपायर की सारी प्रतीक्षा के बॉडी लाइन से आज ले रहा करिए। यहाँ पर कप्तान के बाद जेल करता हुआ पहला छक्का दानीपुर की तरफ से निकलता हुआ पहला छक्का। भैया पहले इनिंग का 80 रन बना था, इस 6 रनों की सहायता से दानीपुर का स्कोर 8 रन। जौनपुर का 80 रन बना था। दूसरी ही गेंद फेंकी गई है, पहला छक्का निकला है दानीपुर की तरफ से। आगे बढ़कर अपने बड़ी मौका तैयार। कुछ ही पल में हमारे दो मेहमान बहुत अजीज मेहमान आने वाले हैं, आपको बता दें दर्शकों को पप्पू भाई और गुड्डू भाई। तो अच्छी गेंद यहाँ पर आप भीतर में थोड़ी सी बाहर दी गेंद को पूरा सम्मान दिया बल्लेबाज सद्दाम ने। इसके पहले जो मैं नहा और इब्राहिमपुर खेली थी उसमें 97 रनों का लक्ष्य था। अगली गेंद बबलू की साथी गेंद बाकी हुई गेंद को बाहर खेला फिर उसके नीचे जाकर एक कप्तान के साथ गेंद को फील्ड किया जाकर बड़ा बल्लेबाज आसानी के साथ रन को पूरा कर लिया इस एक रनों की सहायता से। जादूपुर फर्स्ट है भाई कैप्टन रईस वाले पुरानी जादूपुर जादूपुर भी कल जीत के गई है। निश्चित तौर पर यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी अभी तक जौनपुर के गेंदबाज बन में भी अच्छी गेंदबाजी हालांकि रनअप काफी लंबा रनअप के साथ में खेलने का प्रयास। गेंदबाजी जबरदस्त गेंद बल्ले का विकेट के बगल में लुढ़क कर रह गई गेंद
खतरा होते होते बचा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करती हुई जौनपुर का मुकाबला, जहां मुकाबले की बात की जाए जौनपुर बनाम धारूपुर के कप्तान यहाँ पर क्रीज पर मौजूद है अपनी टीम की नैया को पार लगाने के लिए। सामने गेंदबाज है बल्लू साहब के लिए भटकी हुई गेंद गेंद को निकाल दिया तो फिर कभी से गेंद अंदर आते हुए बॉडी रन के बाद चार रन के लिए खूबसूरत इसको पहला ओवर चलता हुआ इसको जा पहुंचा 13 रनों पर। कौन कल जीता की हारा भाई पहला ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर बढ़ता हुआ इसको 13 रन। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, निश्चित तौर पर गेंदबाजी अच्छी हुई है। छोटा लक्ष्य है, छोटा लक्ष्य को देखना है कैसे डिफेंड कर पाते हैं। यहाँ पर जौनपुर के सभी गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करनी होगी अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो। सवैया 7 रन से जीती थी भाई, सवैया 7 रन से जीती थी। दारूपुर की टीम के कप्तान है सद्दाम, भागों को संभाले हुए नजर आ रहे हैं। अगली गेंद के साथ में शुभम राइट हैंड ओवर करके भोजन की गेंद गेंद को घर खेल लिया है। गेंद तेरी घर सीधा स्ट्रेट ड्राइव के बाद राइट के बाद चार रनों के लिए खूबसूरत। हाँ जी भाई कुछ राहत है, जिस पैर में चोट लगी है उसी में लगा है भाई। की गेंद की गेंद को हल्के से ड्राइव किया था स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। बाहर की छत बदल कर निकलती है गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई चार रनों के लिए खूबसूरत। 8 ओवर का है भाई 8 ओवर खबोर का क्लियर नहीं है भाई का प्रयास अच्छी गेंद थी खेलना चाहते थे ड्राइव करना चाहते थे लेकिन बल्ले का रूनी सीधा लेती ही गेंद वही लुढ़क कर रह गई। बॉलर अपने वापस बॉलर बॉलिंग मार्क पर वापस जाता हुआ दूसरा मालूम नहीं भाई अगली गेंद के साथ तैयार सुमन। हाँ जौनपुर की टीम फील्डिंग कर रही है भाई गेंद लिया बल्ले का रूनी सीधा सर का फील्डर गेंद को फील्ड कर लिया आसानी के साथ बिना किसी रन के। स्कोर अभी भी 17 रनों पर रुका हुआ है। चौकलपुर में हो रहा है भाई चौकलपुर में जैसी सो यहाँ पर विकेट आज के दिन का जो पहला मुकाबला खेला गया था उसमें मेढ़ौली का मैच इसके बाद है भाई बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। दूसरे मुकाबले में यहाँ पर गेंदबाजी होते हुए जोरदार तरीके से ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ का फील्डर गेंद को फील्ड कर लेगा आसानी के साथ में एक रन दोनों बल्लेबाज को नहीं रोक पाएंगे पूरा करने से। स्कोर 18 रन दूसरा ओवर चलता हुआ अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करती हुई यहाँ पर जौनपुर की टीम। ऐसी ही गेंदबाजी की जरूरत है अगर जौनपुर को वापसी करना है मैच में तो। जो दारूपुर का जो पहला विकेट गिरा है आलम 0 रन बनाकर पवेलियन नरेंद्र अगली गेंद रुका पैसों के सीधा बनाते हुए बॉडी लाइन के ऊपर से जबरदस्त छक्का निकलता हुआ यहाँ पर सहमत के मैच से। इस 6 रनों की सहायता से स्कोर पहुंचा है 24 रनों पर। रास्ते को साफ कर रखे हमारे मेहमान हमारे बीच में कुछ आ रहे हैं आप रास्ते को साफ रखें। वहां पर ऐसा है होली कौन सी टीम है भाई मुझे नहीं मालूम है। जौनपुर बनाई है भाई 80 रन। हटुआ पवारपुर और मेढ़ौली का मैच है भाई तो 2 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ इसको 30 रन एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत कही जाएगी दारूपुर की। अब आगे कहां होगा सुनाने के लिए नफीस भाई प्लीज कर नफीस भाई
धन्यवाद सुनील। दादूपुर 30 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी की है सहवाग ने, लगातार दो गेंदों पर दो छक्के लगाए और इस समय अच्छी स्थिति में कही जा सकती है दादूपुर की टीम, क्योंकि इस क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली टीम शक्तिशाली है, शक्तिशाली टीम मानी जाती है। थोड़ा जवान रहेगा ठंड की वजह से, माजरत चाहता हूँ। इस तरह बॉलिंग की जिम्मेदारी होगी बबलू के हाथ में। हमारे बीच में गुड्डू प्रधान, उनके साथ में जीशान भाई आते हुए हमारी भाई टोकलपुर में हो रहा है, इस्तकबाल करती है, तहे दिल से स्वागत करती है गुड्डू भाई और जीशान भाई। हमारे बीच में गुड्डू प्रधान आते हुए उनके साथ में जीशान भाई। और उनके साथ में साथी आते हुए चितपालगढ़ का मैच कल है भाई, हमारी पूरी कमेटी। 8 ओवर का हो रहा है, 8 ओवर। अच्छी गेंद को देखा, भाग कर दिया विकेट कीपर के पास में, कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। तो हम अपने आए हुए मेहमान गुड्डू प्रधान, जीशान भाई, आए हुए के साथी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आप आए स्टेज पर, प्लीज थोड़ा सा जगह बना दीजिए। ये गेंद गेंद को निकालने जा रहे हैं, बाद में आप उच्चारण के लिए तो थोड़े बच्चे बच्चियों को छोड़ दें। तो निश्चित तौर पर वहां पर गुड्डू प्रधान और जीशान भाई के साथी आते हुए हम इस्तकबाल स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं गुड्डू प्रधान और जीशान भाई को, उनकी टीम को खैर मकदम करते हैं। नहीं बाला वापस अपने बारी में तैयार, बल्लू अगली गेंद के साथ इधर जाइए, बल्लेबाज सब अपने फील्डर की गेंद की गेंद उठाई कर दिया है, जब तक गेंद फील्डर होगा बल्लेबाज अपने स्कोर को बदल लिए, स्कोर को बचा। हमारे बीच में प्रधान जी पहुंचे, तीसरा ओवर चलता हुआ, तीसरा ओवर चलता हुआ यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी बन चुका है। तो स्वागत अभिनंदन करते हैं हम लोग का अगले विकेट समाज आए हुए हैं यहाँ पर, तो कई व्यक्ति ने फंसाया है इस वक्त जौनपुर की टीम, ठाकुरपुर की टीम के कई नस्ली को फंसाया है इस वक्त। अगर यहाँ पर सद्धान की विकेट अगर पहले ओवर में जो स्टेज पर खड़े हुए खिलाड़ी ने अगर कैच कर लिया होगा तो मैच में और इंटरेस्ट हो गया और चीज चाह रहे था, लेकिन अब ना सफल रहे कैच करने में खड़े खिलाड़ी ने, बहुत बड़ी गलती की होगी। सोच रहे कहा से अगर सद्धान का विकेट यहाँ पर लिया गया होता तो निश्चित तौर पर मैच में और खतर बना सकते थे जौनपुर की टीम। दिलचस्प मुकाबला चलता हुआ जौनपुर ठाकुरपुर के बीच में, इसके बाद जो मुकाबला होगा हटवा पवार से मेहली के बीच में खेला जाएगा। हालांकि अब चौथा मैच का मुकाबला होना था गलवारी दुर्गा से जो पटाटा स्टेडियम, लेकिन मौसम खराब होने के कारण मैच को रद्द कर दिया गया है। चौथा मैच सिर्फ आज तीन मुकाबले खेले जाएंगे। दर्शकों को हम बता दें कल जो तीन टीमें आ रही है, आपको बता दें बड़ी टीमें आ रही है कल तीन टीमें, दर्शकों से हम विनती करेंगे कि आकर आपको मैच में चार चांद लगाए, तो दर्शकों को बता दीजिए कल टीमें जो आ रही हैं। तो कल जो टीमें आ रही हैं, दिलीपुर, रानीगंज, दहेकला, सिसोई, इलाहाबाद, प्रेमनगर चौराहा, ये टीमें हैं। और मिडफील्ड के मामले के बाहर चार रन के लिए निकाल दिया है रंजन ने, रंजनाथ चौके के साथ खाता खेला है इस वक्त, स्कोर बचा लिया है 39 रन। तो 27 की जो मुकाबला था आपको हम बता रहे हैं, ये टीम आ रही है हमारे पास, दिलीपुर, रानीगंज, प्रेमनगर चौराहा, सिसोई, इलाहाबाद, कहेकला और लोकल टीम अपने बीच की होगी छिपालगढ़। और गेंद को निकाल दिया दूसरी बार, गेंद गाड़ी वाली लाइन के बाहर है, ठीक है, बल्लेबाजी ने बल्लेबाजी ने रन पूरा कर लिया है इस वक्त।
तो आपको 28 तारीख को कुछ मुकाबला हम बता दें जो टीम 28 तारीख को आमंत्रित है। इस्लामाबाद साधुपुरी उसके बाद लखनऊ सुजानगंज खाहीपुर इलाहाबाद बरहड़ा रानीगंज ये 28 तारीख की टीमें आमंत्रित है आपको खेलने के लिए आएंगी। तो यहाँ पर रस बात हुआ है सर अभी राफेल जैसा हाल नहीं था सुनाएंगे आप लोग को। धन्यवाद कैसी भाई आपको जानकारी दे रहे थे कल और परसों के मैच का। इस टाइप पर जो पहुंचे हैं सब टाउन जो कि जबरदस्त बल्लेबाज है यहाँ पर जितने भी दर्शक नजर आ रहे हैं नहीं रामपुर देखने के लिए कौन सी रामपुर रामपुर गौरी हार गई है भाई सब टाउन की बैटिंग देखना है। जगदीश अब बॉलिंग की जिम्मेदारी होगी जगदीश के कंधे पर क्या अपनी टीम को कई सफलता दिला सकते हैं। नॉन स्ट्राइक पर रंजन यहाँ पर बॉलिंग मानसून चूंगे जगदीश ने डेड बॉल घोषित किया हशीम ने अब सब कुछ व्यस्त थे क्या होता है इस गेम पर जगदीश चले रायता ने बेलवार जौनपुर है भाई जगदीश यहाँ पर सत्तान के बल्ले से छक्के के सहारे काफी का टोटल स्कोर हो चुका है इसमें दो विकेट के नुकसान पर 27 रन यानी कि अब यहां से जीत के लिए चार रन की जरूरत नहीं है लगभग 35 से 34 रन की जरूरत है यहां से इस समय जगदीश चले उनकी ये गेंद 35 रन की गेंद नहीं कबूर नहीं खेली है भाई देखो खेलेगी कि नहीं क्योंकि कांदेपुर के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं यहाँ पर सब काम मगर क्या जबरदस्त कैच पकड़ा वहां पर एक स्लोअर गेंद थी और उसी जाल में फंसे सब काम और तीसरा छक्का लगा यहाँ पर 47 रन की गई है ऊपर कांदेपुर को। यादव क्लब का मैच परसों है भाई 28 तारीख को कप्तान सत्तान को पवेलियन भेजा जिस टिकट की तलाश थी यहाँ पर जौनपुर को वो टिकट हासिल किया जगदीश ने क्या इसमें सवैया कल जीत के गई है भाई क्योंकि कल जो मैच हुआ था बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक स्वागत बल्लेबाज स्वाद इस स्ट्राइक पर है जगदीश एक सफलता की खुराक ले चुके हैं क्या करते हैं इस गेंद पर स्वाद जगदीश राइट आर्म ओपन के पहले स्वाद की गंदी है स्लोअर गेंद थी वहां पर गेंद को कवर ड्राइव कर दिया है उसके नीचे फील्डर बबुल है जब तक गेंद फील्ड होगी तब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों के बीच एक रन लेने के लिए इस एक रन के सहारे तादुपुर का टोटल स्कोर हो चुका है 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज सहबाज सद्दाम और आलम इस समय जगदीश की ये गेंद गेंद को निकाल दिया है उसी फील्डर है जब तक गेंद फील्ड होती तब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन लेने के लिए एक से एक रन के सहारे काफी प्रकट टोटल स्कोर हो चुका है 49 रन शायद परसों है भाई 28 तारीख को मात्र एक रन की दूरी पर खड़ी है इस समय दादू की टीम अफर फहद स्ट्राइक है जगदीश काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं उनकी ये गेंद काफी स्लोअर गेंद थी चकमा दिया मगर अंपायर हसी तेजा आ रहा है वाइड बॉल गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली और उसका खामियाजा ये हुआ गेंद वाइड बॉल घोषित की गई और इस तरह से स्कोर एक अंक को इजाफा मैच तौकलपुर में हो रहा है भाई तौकलपुर में हाफ सेंचुरी पूरी होती हुई इस समय कांदेपुर की क्या करते हैं इस गेम पर जगदीश भाई तौकलपुर में हो रहा है जबरदस्ती गेंद थी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ गई खेलने से चुके वहां बल्लेबाज साहब बाकी काम पूरा कर दिया कीपर ने मिसलेस ने बगैर विकेट के इस ओवर में अभी तक एक बार सफलता ही खुला ले चुके हैं जबकि इंपॉर्टेंट विकेट हासिल किया था सब काम का जगदीश
चले राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर को यहाँ पर अपने बॉलिंग स्टांस से कुछ वहां पर चूक हुई जगदीश से और इस दोबारा अपनी बॉलिंग मार पर जाते हुए दर्शकों एक रोमांचक मैच की संभावना है। डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ भाई, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ है, पृथ्वीगंज के बीच वो मैच लास्ट गेम तक गया था मगर जबरदस्त बल्लेबाजी की थी सचिन ने पृथ्वीगंज शुक्रिया तो भाग पूर्ण तरीके से मैच हार गई थी पृथ्वीगंज क्योंकि वाइट बॉल खेल सकते यहाँ पर हसीम ने स्कोर में एक रन को इजाफा हुआ। इस ओवर में अभी तक शायद दो रन अतिरिक्त दे चुके हैं वाइट पे। देखो भाई अभी क्लियर नहीं हुआ है, जब होगा बताएंगे। जौनपुर लास्ट मैच हटवा पवारपुर और मेढ़ौली का है। जगदीश की अगर पट्टी भी गेंद थी यहाँ पर सब संभवतः ये भी वाइट गेंद है यानी कि काफी दिशाहीन गेंदे कर रहे हैं इस समय जगदीश। शुरू की जब दो तीन गेंदे की थी जगदीश क्या जबरदस्त गेंद की थी और अपनी गेंदों पर क्या सप्ताम को अपनी जाल में फिसाया था मिराज पर। इस ओवर में अभी तक तीन वाइट गेंदे कर चुके हैं खराब होने की वजह से जब तक गेंद फील्ड होती दूसरे ले जाना चाहते खत्म हो सकता है पर अगर यहाँ पर अंपायर का इशारा जानना चाहेंगे और अंपायर का इशारा जानना चाहेंगे जोरदार अपील हो रही है वहाँ पर जोरदार अपील हो रही है मगर अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं यानी कि यहाँ पर दो रन पूरे किए फहद स्कोर में दो रन का इजाफा स्कोर बढ़ता हुआ टोटल 54 रन। नहीं एंट्री नहीं है भाई, एंट्री फीस नहीं है। 54 रन ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति पांच चार ओवर की समाप्ति पर चार ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 54 रन यानी कि यहां से जीत के लिए 24 गेंदों पर बॉलर्स नेम राहुल यानी कि जीत के यहाँ जब 27 रन की जरूरत है मात्र बची हुई 24 गेंद पर राहुल है गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पर जा पहुंचे हैं रंजन राहुल क्या कोई अपनी टीम को सफलता दिला सकते हैं क्या इस मैच में वापसी करा सकते हैं राहुल चले उनकी ये गेंद सवैया का भाई कल खेल के गई है अभी टाइम है उसका तीसरा मैच हो गया रंजन ने स्कोर में एक रन का इजाफा स्कोर 55 के गुल पर 3 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज है आलम। नहीं भाई नहीं आउट नहीं था बल्ला रखा था राहुल यादव क्लब थाईपुर का मैच परसों है 28 तारीख को इस समय मजबूत स्थिति में दिख रही है तांबेपुर की टीम प्रतापगढ़ की चाली वाली टीम तांबेपुर काफी सशक्त टीम है तांबेपुर 26 रन चाहिए भाई करते हैं अपनी विक्टोरिया दोनों बल्लेबाज क्या जीत की मंजिल तक ले जा सकते हैं तांबेपुर को इस समय सुदृढ़ स्थिति लेके जा सकती है तांबेपुर की टीम। एंट्री फीस नहीं है भाई नहीं सिंगल लिए है ना दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई आज सहारा का क्रिकेटर ने ताकलपुर राहुल चले राइट आर्म ओवर द विकेट फहद की लंबी गेंद ऊंचा लंबा स्टॉप गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है 6 रन जबरदस्त स्टोर यहाँ पर फहद के बल्ले से ओवर पिच गेंद थी उस गेंद को लॉस्ट कर दिया ठीक हमारी कमेंट्री बॉस के 22 बॉल 20 रन सीमा रेखा के बाद 6 रन इस छक्के के साथ 22 गेंद पे 20 रन चाहिए 61 रन जीत ले आने के मात्र यहाँ से 20 रनों की जरूरत है तांबेपुर को एक तरफा मैच होता जा रहा है क्या इस मैच में कोई रोमांचन नहीं आ सकता है ये तो आने वाला समय बताएगा। गढ़वारीपुर का आज था भाई लेकिन अब नहीं है क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं फहद फहद ने मारा है भाई फहद ने अपने आप को असमंजस महसूस कर रहे थे फहद मगर उसके बाद क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है इस ओवर में अच्छी खबर ली है राहुल की
लगातार दो गेंदों पर दो छक्के लगाए हैं। इस छक्के के साथ टोटल स्कोर 67 रन, यानी कि यहां से मात्र जीत के लिए तादुपुर को 14 रनों की जरूरत है। इस समय राहुल चले राइटम ओवर लेंगे, अच्छी गेंद निकाल फील्डर है, जब तक गेंद फील्ड होती तब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन लेने के लिए। इस एक रन के सहारे स्कोर बढ़ते हैं तादुपुर का 68 रन, तीन विकेट के नुकसान पर काफी मजबूत स्थिति में इसमें तादुपुर की टीम। अब इस टाइप पर जा पहुंचे हैं रंजन, दर्शकों की संख्या थी जिसमें कराए के सारे लड़ दिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जब तक गेंद फील्ड होगी तब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन लेने के लिए। इस एक रन के सहारे स्कोर टोटल हो गया है 69, यानी कि क्या इस मैच में कोई मोड़ आ सकता है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, कुछ भी हो सकता है। मगर यहां से तो ऐसा लग रहा है कि तादुपुर की टीम यहां से बिल्कुल, क्योंकि एक शॉट दूरी है, अगर एक छक्का लगता है टीम विजयी हो जाएगी। अब बॉलिंग की जिम्मेदारी होगी इस समय जौनपुर की तरफ से। अर्जुन गेंदबाजी का जिम्मा इसमें अर्जुन के कंधों पर, देखना है स्टंप पर निशाना साधते हैं या फिर गेंद बाउंसर का इस्तेमाल करते हैं। ये तो अर्जुन गेंदबाजी करेंगे तब पता चलेगा। इस समय रंजन अर्जुन चले राइट आर्म ओवर द बैट, उनकी ये गेंद पटकी गेंद थी और उसको प्लेस कर दिया वहीं पर, गेंद रोक कर रह गई, रन लेने का कोई मौका नहीं, पूरा सम्मान दिया इस गेंद पर रंजन ने, स्कोर में कोई इजाफा नहीं, अभी भी स्कोर 75 की गुड़ियों पर रुका हुआ। इस मैच के बाद जो तुरंत मैच होगा वो हटवा पवारपुर और मेहरी के बीच, हटवा पवारपुर के कैप्टन और मेहरी के कैप्टन, दोनों कप्तान यहाँ कमेंट्री बॉक्स पर आ गए और टास करा रहे। ये गेंद अच्छी गेंद नहीं की जा सकती, उसको कट कर दिया, गेंद जा रही है पॉइंट की तरफ, जब तक गेंद फील होती तब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास छोर बदलने का। इस तरह से स्कोर में एक रन का इजाफा, स्कोर 76 रन, यानी कि जीतने यहां से औपचारिकता ही बाकी है, क्योंकि 5 रनों की जरूरत है। दर्शक एक उम्मीद ले गए आए दिन क्या जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि कल जो मैच हुआ था बिल्कुल क्या जबरदस्त मैच हुआ था, सांसें रोक देने वाला मैच हुआ था, दर्शक बिल्कुल उस मैच को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। ऐसा ही मैच होना चाहिए जैसा कल सैया और पृथ्वी के बीच हुआ था। अर्जुन की गेंद को पूरा सम्मान दिया इस बार फहद, क्या इस गेंद पर बाउंड्री आ सकती है, फहद इसने फील्ड का मुआयना किया है, देखने इस गेंद पर क्या करते हैं। अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद थी, चकमा दिया वहां पर फहद को, लास्ट तो करना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, अभी भी इसको क्षेत्र की गुड़ियों पर रुका हुआ है 3 विकेट के नुकसान पर। अर्जुन अभी तक इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है, मात्र एक रन खर्च किया है अर्जुन चले राइट आर्म ओवर दे बगैर फाक की है, उनकी ये गेंद पच्ची गेंद थी, ऊंचा लंबा स्टॉप, गेंद मोली लाइन के बाहर, 6 रन, यानी कि अब मैच तादुपुर जीत चुकी है, 7 विकेट से यह मैच तादुपुर जीत चुकी है। और गेंद को वापस कर दे भाई, गेंद मिल गई है